आज जिस तरह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से पूरे देश में हम देख रहे हैं कि लोगों के भीतर जो हमारा जज्बा है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, वो इस कदर उमड़ आया है कि कोई भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। क्योंकि देशभक्ति का जज्बा एक ऐसा जज्बा है कि जब आप एक छोटा सा गीत भी देशभक्ति का सुनते हैं तो अपने प्राण न्योछावर करने को उसी वक्त एक पल भी नहीं सोचते। पर देशभक्ति क्या है? कहते हैं ना, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान में आते हैं। सरहद पर तो हमारे जवान हैं, वो तो हमारी निगहबानी कर रहे हैं मुल्क की, बाहरी ताकतों से हमें बचाने के लिए। लेकिन देशभक्ति सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति यदि एक दूसरे की हिफाजत करे, देश का नागरिक होने का कर्तव्य समझे, ईमानदारी से अपना काम करे, अपना चरित्र निर्माण करे, अपना व्यक्तित्व निर्माण करे, अपनी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे ओहदे पर पहुंचे और मन में ये भावना रखे कि मुझे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो वो भी देशभक्ति है। तो हम सबको जिम्मेदारी के साथ चलना है, अपने आप की उन्नति करनी है। और सबसे बड़ी बात है उन्नति के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे देंगे तो वो देश को खुद ब खुद संभाल लेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी बच्चियां, बच्चे सब अपनी तालीम पूरी करें, बीच में उसको अधूरी ना छोड़ें। ये ना सोचें कि बस अब तालीम हो गई, अब शादी कर सकते हैं। नहीं, आपको अपने पैरों पर खड़े होना है। अनुसार से बच्चियों से ही गुजारिश कर रही हूँ, उनकी माओं से ही गुजारिश कर रही हूँ, उनके अभिभावकों से गुजारिश कर रही हूँ कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें, पूरी शिक्षा दें। जैसा कि अभी प्रोफेसर राहिला ने कहा कि वो भी पूरी तरह से तत्पर है आप लोगों की मदद करने के लिए। इसी तरह से जो हमारा संस्थान है आवाज़ खबर में, हम सब भी आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है कि आप आगे बढ़ें, अपनी शिक्षा पूरी करें। आपको किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत हो तो उसमें हम आपकी मदद करें। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए, सरकारी योजनाएं क्या है आपके लिए, क्या लाभ मिल रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठा सकें। और इसके तभी साथ साथ में हमारे देश का स्तर भी ऊंचा उठेगा और तभी जिस तरह के एक सुंदर राष्ट्र की कल्पना हम करते हैं वो साकार होगी। कल्पना हम साथ रहते आए थे, साथ रह रहे हैं और साथ रहेंगे। इसीलिए ये जो जज्बा है वो हमें बनाए रखना है, ये जो उत्साह हमें आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में देखने को मिल रहा है, ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए बल्कि दिनों दिन बढ़ते जाना चाहिए। क्योंकि एक दिन वो भी आएगा जब हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल पूरे होंगे, लेकिन उस वक्त आप लोग सब उस मकाम पर होंगे क्योंकि आपके हाथ में उस समय देश की दागदौड़ होगी और आप उस वक्त ये सोचेंगे कि देखो हम देश को कहाँ तक लेकर आए हैं। तो ये जज्बा हम सबको बरकरार रखना है और इसमें हम सब साथ हैं, हमारी यात्रा साथ साथ चल रही है जिसमें हम एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह ज़रूर हमारी जिस भावना को लेकर चल रहे हैं, जिस संकल्प को लेकर चल रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए थे और बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो बच्चों ने पेश किया। यहाँ और भी जो लोग आए थे उन्होंने देशभक्ति की कविताएं सुनाई, नज़्म सुनाई। और ये एक ऐसा संदेश जाता है, पूरे देश को संदेश जाता है कि इस देश के सभी लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते आए हैं, रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये एक ऐसा बीज है बच्चों के भीतर, आज जो हम बोते हैं वो आगे जाकर पल्लवित होता है। तो आज ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, रंगारंग कार्यक्रम था,
और मैं NSERD के अध्यक्ष मोहम्मद कैफ साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा हाथ में लेना या राष्ट्रगीत गाना नहीं है, बल्कि देशभक्ति है किस तरह से हम अपनी तरक्की करते हैं, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनते हैं, इसको भी देशभक्ति कहते हैं। अपना काम कितनी ईमानदारी से निभाते हैं और कितनी बेहतर तालीम हासिल करते हैं और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। जो लोग मैम जात पात में धर्म में भेदभाव करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक वर्ड पर खास करके जो निशाना बनाया जाता है कि देशभक्ति की कमी है या उस पर सवाल उठाया जाता है हमेशा उसकी देशभक्ति पर, नहीं नाम नहीं लूंगा, वो आप समझ लेने कहा क्या कह रहे हैं। मैं ये सिर्फ उन पर आपसे क्या कहेंगे क्योंकि आप हमेशा समाज के साथ रहती हैं, लोगों के साथ रहती हैं, आपका काम ही वही है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने देखा कि किस तरह से पूरे देश ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया, इसमें कोई किसी से पीछे नहीं रहा, सभी लोगों ने, मुल्क के सभी एक एक नागरिक ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्योंकि हम सब के भीतर हिंदुस्तान बसता है, हमारी आत्मा में हिंदुस्तान है। हम भले ही अलग अलग मज़हब के हों, अलग अलग जाति के हों, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और ये संदेश हमारे देश के लोगों ने पूरी दुनिया को दिया है। हम सब हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। ये सिर्फ जो हैं, अगर कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि नफ़रत फैलाकर या फिर आपस में जो है वो आपसी विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, ऐसी ताकतों को हम लोग बिल्कुल भी जो है वो उनको हम तवज्जो नहीं देते और ना ही किसी को देना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम बेहतर तरीके से करते जाना चाहिए, क्योंकि बुराई कितनी भी हो लेकिन अच्छाई के आगे नहीं टिक सकती। हम सब अच्छा कर रहे हैं, हम सब के भीतर ये आत्मविश्वास है और हम सब के भीतर हम जानते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं और इसमें लगे रहिए। बाकी हमें किसी भी और बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बस यही संदेश देना चाहती हूँ।